दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे वर्ष में जितने भी अवार्ड बांटे गए हैं उन अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों एक 60 वीडियो होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मैं कवर कराऊंगा ताकि एक बार आपकी नज़र पड़ जाए। इसके पहले भी मैं अवार्ड का वीडियो आपको दे चुका हूँ तो एक बार आप जाके पीछे की चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। आज हम लोग स्पेशली MCQ पर बात करने वाले हैं। अगर इस तरह के अच्छे वीडियोज आपको चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बात का ध्यान रखें कि हमारे चैनल पर हर एक विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अक्सर आपकी परीक्षा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से खूब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहां पे याद रखिएगा कुल 23 भाषाओं में अलग अलग साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं जो कि अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो आपको अपनी परीक्षा में यह ध्यान देना है कि किस भाषा में बात कर रहा है। ठीक है, अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग व्यक्तियों को चुना गया। जैसे यहां पर दे रहा है अंग्रेजी भाषा, तो याद रखिए अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2019 का, वो दिया गया है शशि थरूर को। किसको दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया। तो पीछे आप इमेज में देख रहे होंगे शशि थरूर, और इनकी एक बुक थी दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। हिंदी भाषा वाला जो पुरस्कार है यह दिया गया नंद किशोर आचार्य जी को। किसको? नंद किशोर आचार्य इनका नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर परीक्षा में पूछता है तो आपको ध्यान दोस्तों यह देना है कि किस भाषा में पूछा जा रहा है। आपसे हिंदी पूछा है, इंग्लिश पूछा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए एक और मैं शामिल कर लिया हूं उर्दू भाषा में। ऐसे जब दोबारा आपको पढ़ाऊंगा ना 2-3 भाषा के, और यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो उर्दू भाषा में किसे दिया गया, तो याद रखिए दोस्तों दिया गया शफी किदवई को। किसको दिया गया है? शफी किदवई को उर्दू भाषा में। शशि थरूर को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से ताकि आप याद कर लो, शशि थरूर को अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और उसके अलावा नंद किशोर आचार्य जी को हिंदी भाषा के लिए, और चिन्मय गुहा दोस्तों ये बांग्ला राइटर हैं। ठीक है, तो बांग्ला लिखिएगा इनके लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2019 का अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए जल्दी से। बाल शांति पुरस्कार, यहां पर इमेज में 2 लोगों का चित्र आपको दिख रहा है, तो याद रखिए पहला वाला जो इमेज है दोस्तों ये ग्रेटा थनबर्ग है। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, पर्यावरण को लेकर के इन्होंने काफी कार्य किए हैं और इनको यह पुरस्कार भी दिया गया, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। बाकी जो दूसरे नंबर पे इनका नाम है डिवीना, याद रखेगा डिवीना, क्या नाम है? डिवीना मलोम। ठीक है, याद रखे 2 लोगों को दिया गया अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां व्यास सम्मान, तो आप सभी को पता है, याद रखिए कब दिया गया 29वां व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को। किसको? नासिरा शर्मा, कागज की नाव इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके अलावा कुछ और रचनाएं मैं यहां पे लगा दिया हूं, मेरे साक्षात्कार, ठीक है, और इसके अलावा जिंदा मुहावरे, ये सब इनकी रचना है। नासिरा शर्मा याद रखेगा, इनको व्यास सम्मान दिया गया, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड दिया गया, आइकन ऑफ गोल्डन जुबली, तो दोस्तों याद रखिए रजनीकांत जी को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो इंटरनेशनल है, याद रखिए अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है, गोल्डन जुबली पुरस्कार किसे दिया गया, तो रजनीकांत जी को दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। और आप याद रखिए यहां पर अमिताभ बच्चन जी द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ भी बहुत अच्छा है, याद रखिए अकित्तम, क्या नाम है? अकित्तम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई थी, ठीक है, तो अकित्तम याद रखिएगा। अकित्तम कहां के कवि हैं, तो याद रखिए मलयालम, मलयालम कहां की भाषा है? केरल की, ठीक है, तो केरल के कवि हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है शिवा रेड्डी, तो शिवा रेड्डी इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था 2018 का, 2019 का भी अनाउंस नहीं मिला कहीं पर, तो याद रखे 2018 का सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रथम शेख सौद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख सौद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। जिस वर्ष सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न, उसी वर्ष दोस्तों CN राव जी को दिया गया था, तो याद रखिएगा CNR, पूरा नाम है CNR राव, याद रखिए इनको दिया गया। ठीक है, ये बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, ध्यान दीजिएगा। और
काफी सारे कार्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड ये किसे दिया गया, तो देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है सेविंग इन डेजर्ट सार्क, इन्होंने समुद्री संरक्षण के लिए जो है कार्य किया था और इसके लिए इन्हें ग्लोबल फ्यूचर अवार्ड दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार दिया गया दिव्या कर्नाड को, किसको दिया गया है, दिव्या कर्नाड को, ठीक है। गिरीश कर्नाड अभी हाल ही में एक बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी मृत्यु हुई है, वो अलग व्यक्ति है, कर्नाड कर्नाड आ गया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे किनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया, देखिए मैन बुकर में बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सभी को, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपसे कभी अगर आप एक पॉइंट पकड़िए मैन, अगर मैन लिखा है तब अलग उत्तर होगा, अगर बुकर लिखा है तो अलग होगा, ठीक है। बुकर अवार्ड दूसरा है, मैन बुकर अवार्ड दूसरा है, ठीक है। तो अगर मैन बुकर कर रहा है और यह भी 2018 का पूछ रहा है, पिछले साल का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पिछले साल दोस्तों एना बंस को दिया गया था, इनकी रचना थी मिल्कमैन, किसको दिया गया था, एना बंस को दिया गया, ठीक है, मिल्कमैन उनकी रचना थी, मैन 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 वाला पुरस्कार किसको दिया गया था, एना को, एना मैन, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए इस बार का अगर पूछता है कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो दोस्तों आप याद रखिए जोखा अलार्थी, किसे दिया गया, जोखा अलार्थी, ये इमेज में आप देख रहे होंगे ओमान की लेक का है, जोखा अलार्थी इस बार का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 का इनको दिया गया, पिछले साल वाला एना बंस को दिया गया। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, परीक्षा में एकदम गलती मत करिएगा। अब देखिए पूछ रहा है किनको बुकर पुरस्कार दिया गया, देखिए मैन बुकर अलग था, बुकर अलग था, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार में याद रखिए दो लोगों का नाम है, एक नाम है मार्गरेट एटवुड, ठीक है, दूसरा है बर्नाडाइन, ठीक है, बर्नाडाइन, यहां पर देखिए दो इमेज है। और ऐसा अब तक तीसरी बार हुआ दोस्तों कि बुकर अवार्ड में एक साथ दो लोगों को नामित किया हुआ, पहले 1974 में दो लोग नामित हुए थे, उसके बाद 1992 में, और अब 2019 में ये दो लोग नामित किए गए, ठीक है। ये देखिए एटवुड है, ठीक है, याद रखेगा मार्गरेट एटवुड और बर्नाडाइन एवरिस्टो, तो दोनों लोग का नाम याद रखेगा, ये बुकर में है, मैन बुकर में नहीं, बुकर में, ठीक है। तो बुकर अवार्ड इन दोनों लोगों को दिया गया 2019 का। अब देखिए थोड़ा सा आईफा अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा 20वां आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, आईफा की बात कर रहा है, आईफा, ठीक है। तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया राजी, और यहां पर मैं पूरा का पूरा आपको एक जो है इसके माध्यम से बता दे रहा हूं, जैसे यहां पर दे रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, राजी। अच्छा इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो आईफा अवार्ड की शुरुआत याद रखिए सन 2000 में हुई थी, कब, सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बेस्ट फिल्म कौन सा है, राजी है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी सबसे अच्छे निर्देशक कौन है, तो श्री राम राघवन। अभिनेता में रणवीर सिंह को दिया गया है पद्मावत फिल्म के लिए, और अभिनेत्री में आलिया भट्ट को दिया गया राजी फिल्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा सहायक में जो है अभिनेता में विक्की कौशल है, और सहायक अभिनेत्री में अदिति राव है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए दोस्तों अंधाधुंध को भी चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए कि आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, राजी को मिला है। करा 20वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री उसी फिल्म की है, राजी फिल्म में अभिनेत्री थी, याद रखिए क्या नाम है, आलिया भट्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जबकि अगर अभिनेता की बात करता तो रणवीर सिंह पद्मावत, ठीक है। आगे देखिए 20वें आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अभिनेता याद रखे दोस्तों रणवीर सिंह हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। 66वें राष्ट्रीय, देखिए वो आईफा अवार्ड था, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं जानबूझ करके जहां पर मैन बुकर दिया वहीं पर मैन बुकर इंटरनेशनल डाल के रखा हूं, ताकि आप समझो, आप दोनों में अंतर समझ पाओ। आईफा अलग है, और यहां पर देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है, और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो इसका उत्तर अलग है, इसका उत्तर है अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध। जबकि आईफा में अंधाधुंध को बेस्ट कहानी का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेस्ट फिल्म इसमें मिला अंधाधुंध को, बेस्ट एक्टर इसी फिल्म के आयुष्मान खुराना है और विकी कौशल है, ठीक है। हालांकि विकी कौशल जो है उनको उरी के लिए चुना गया है, इनको याद रखेगा। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो आदित्य धर है, ये उरी के डायरेक्टर है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में सुरेखा सीकरी है बधाई हो मूवी में, तो ये आप याद रखेगा, दो तीन है। सामाजिक मुद्दे पर बेस्ट फिल्म जो है पैडमैन, तो याद रखेगा ये अक्षय कुमार वाली पैडमैन, तो इसको भी आप ध्यान रखेगा, ठीक है। तो अंधाधुंध यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो दोस्तों यहां पर देखिए गलत हो गया है, ठीक है, ये हिलारो नहीं होगा, ये गलत हो गया यहां पर। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किसको दिया गया, अंधाधुंध को, तो यहां पर अंधाधुंध आप कर लीजिएगा, ठीक है, अंधाधुंध आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अंधाधुंध, ठीक है, तो इसको ध्यान।
रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसमें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अंधाधुन को, जबकि आईफा वाले में, आईफा में चेंज था, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग आप याद रखिएगा, आईफा में राजी को, यहां पर अंधाधुन को, ठीक है। अमेरिका की, सॉरी, किनको, अमेरिका का कर्नाट, कर्नाट होगा यहां पर, कर्नाट, आ की मात्रा लगा दीजिएगा, कर्नाट पुरस्कार दिया गया है। तो इमेज देख करके आप बता सकते हैं पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, इनको मिला है कर्नाट पुरस्कार, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा किनको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता। देखिए राष्ट्रीय वाले में पूछ रहा है, राष्ट्रीय वाले में दो लोगों को दिया गया, मैंने आपको बताया विकी कौशल हैं और अंधाधुन में जो आपके आयुष्मान खुराना उनको, तो याद रखे विकी कौशल तो किसमें, उरी में, उरी में ही थे ना, तो याद रखेगा इन दोनों लोगों को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किनको हाल ही में प्रीतजिगर पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर सही उत्तर है अराता इसोजाकी, यहां पर इमेज देख लीजिए अराता इसोजाकी, इनको दिया गया। ये दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पिछले साल 2018 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो कि भारत के रहने वाले थे, ठीक है, इस बार अराता इसोजाकी को दिया गया है। किनको 2019 में एबल पुरस्कार दिया गया, देखिए मैंने उन हर पुरस्कारों के बारे में आपको बताया, जैसे प्रिजर पुरस्कार वो आर्किटेक्चर का है, उसी तरह से एबल पुरस्कार है, ठीक है, एबल पुरस्कार मिला है करेन उलेनबक को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये पहली महिला बनी है, इस वजह से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किनको हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2019 वाला नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइए, मैंने आपको ट्रिक भी दिया था यहाँ पे दोस्तों, देखिए इनके नाम में क्या लगा हुआ, देखिए यहां पर तो सही उत्तर इसके आधार पे देखिए विलियम कैलिन, ग्रेग सिमेंजा, पीटर, तो मैंने बोला था प्रीटर गेग सिम, ठीक है, याद रखे लीन सिमेंजा पीटर, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। तो तीनों लोगों का नाम अगर एक-एक वर्ड पकड़ के आप याद रखिए, ठीक है, लीन याद रखिए, लीन सिमेंजा पीटर, तो आपको चीजें कुछ समय के लिए याद हो सकती, ठीक है। वैसे पीटर नाम से दो लोग हैं, एक पीटर हैंडके हैं, ठीक है, वो जो है उनको साहित्य का नोबेल मिला है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, पीटर हैंडके, और ये पीटर रेडक्लिफ हैं, रेडक्लिफ, ठीक है। तो ऐसे रेडक्लिफ रेखा के बारे में आपने सुना होगा भारत में, भारत पाकिस्तान के बीच में, बट इसको भी आप याद रखें, पीटर रेडक्लिफ और ग्रेग सिमेंजा और विलियम कैलिन, ठीक है, ये तीन लोग हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो याद रखें यहां भी तीन लोगों का नाम है, क्या है, अभिजीत बनर्जी, ये भारत से हैं, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डुफ्लो, ठीक है, डुफ्लो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का है आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और अगला है माइकल क्रीमर, ठीक है, तो माइकल क्रीमर, ये दोनों याद रखेगा। मैंने यहां पे आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, मर रही है, तो क्रीमर से मर, ठीक है, मर क्रीमर, मर एस्थर, डुफ्लो से फ्लो उसका खराब हो गया, और अभिजीत बनर्जी, तो ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा है 2019 में 2018 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया वो किसे दिया गया, तो दोस्तों ये ओल्गा टोकारजुक हैं, ठीक है, ओल्गा टोकारजुक को नोबेल अवार्ड भी दिया गया, लेकिन 2018 में नोबेल नहीं आया था साहित्य वाला, तो उसके लिए दिया गया, जबकि 2019 के लिए पीटर हैंडके को दिया गया। तो यहां पर दो लोगों का नाम तो जरूर है, लेकिन ये दोनों लोग अलग अलग साल के लिए चुने गए, 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक और 2019 के लिए पीटर हैंडके, याद रहेगा ना आपको, याद रखेगा अलग अलग। आगे देखिए किनको 2019 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया, अच्छा वही दे रहा है 2019 में, वहां 2018 पूछा था, यहां 2019, तो 2018 में ओल्गा टोकारजुक और 2019 में पीटर हैंडके, ठीक है। आगे दे रहा है रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो ये तीनों लोग हैं, ठीक है, क्या नाम है, जान गुडेनफ, ठीक है, आपको बताया था जान एम अकीरा, तो जान गुडेनफ, एम स्टैनली विंगटम और अकीरा योशिनो, इन तीनों लोगों को दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के क्षेत्र में याद रखें दोस्तों, यहां भी तीन लोग हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में तीन तीन लोगों को, और दो एक ही लोग वैसे मानेंगे आप साहित्य वाले में, क्योंकि एक तो 2018 के लिए है ना ओल्गा टोकारजुक, यहां देखिए जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडेटर क्वेलोस, ये तीन लोग हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। चलिए अब थोड़ा सा अलग आगे बढ़ते हैं और ऑस्कर अवार्ड की तरफ देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड है, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ग्रीन बुक को मिला है। देखिए यहां पर इमेज भी आप देख रहे होंगे, ग्रीन बुक को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की भी एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है पीरियड, उसके लिए भी उसको भी अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, तो याद रखेगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। करा है 16 जनवरी 2019 को वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिए ये वही सासाकावा को दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार सासाकावा को दिया गया। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किनको सम्मानित किया गया, दोस्तों ये डीआरडीओ के चीफ भी हैं, और याद रखिएगा
इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। तो इनको दिया गया है मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। किनको? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, ठीक है, इन दोनों लोगों को दिया गया है क्या? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको जो है नामित किया गया है, मतलब दिया गया इन्हें। आगे कर रहा है वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन में किस शहर को चुना गया? तो दोस्तों अबू धाबी को चुना गया। अबू धाबी जो राजधानी है यूएई का। तो दोस्तों एक बार मैं आपको मैप याद दिला दूं क्या? याद रखे मैप, मैंने आपको मैपिंग वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। जो लोग ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़ना चाहते हैं एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। देखिए हमारे प्लेलिस्ट में आपको सभी विषय डिटेल से मिल जाएंगे, एक एक विषय चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सऊदी अरबिया है सबसे बड़ा यहां पर है गल्फ कंट्री में, तो रियाद देश। सऊदी अरबिया के पश्चिम साइड में लाल सागर है और इसके उत्तर साइड में देखेंगे मतलब पूरब साइड में, ठीक है, तो वहां पर आपको यह खाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखेगा इसको पार्सियन यानी फारस की खाड़ी बोलते हैं, और नीचे की तरफ दोस्तों ये आपका गल्फ ऑफ अदन है और नीचे की तरफ अरब सागर है। तो ये सऊदी अरब है, रियाद यहां की राजधानी है और रियाल यहां की मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी के आगे देखेंगे तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात है और यहीं पर अबू धाबी है। इसके आगे ओमान है, ओमान यमन का नाम सुना होगा, ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भी इंपॉर्टेंट है कतर, कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है, एक सेकंड, कतर की राजधानी दोहा है, बहरीन की राजधानी मनामा है और कुवैत की कुवैत सिटी है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला दे रहा स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड, ये किसे दिया गया दोस्तों? तो स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड जो है ये सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया और ये अवार्ड खुद जो है रामनाथ कोविंद जी के हाथों दिया गया है, ठीक है, स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। अब देखिए यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो याद रखे दोस्तों ये आपका देखिए यहां पर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है राजधानी ना वो सबसे स्वच्छ राजधानी है। तो आपसे पूछा क्या है कि किस राजधानी को मिला है सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड, तो याद रखिए भोपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, देखिए राजधानी और शहर में अंतर है ना, राजधानी राजधानी भोपाल है और शहर भी मध्य प्रदेश का है इंदौर, याद रखिए इंदौर ये सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ बड़ा शहर मतलब आकार की दृष्टि से बड़ा और स्वच्छ भी, उसमें कौन है? तो अहमदाबाद को दिया गया अवार्ड, ठीक है, अहमदाबाद को। इसी तरह से दोस्तों याद रखिए एनडीएमसी दिल्ली को ये सबसे स्वच्छ में छोटे शहर का अवार्ड दिया गया, सबसे स्वच्छ में छोटे शहर का अवार्ड इसको दिया गया। छत्तीसगढ़ को दिया गया दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का अवार्ड, छत्तीसगढ़ को दिया गया, ठीक है। कैंटोनमेंट दिल्ली कैंट को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन गोचर को घोषित किया गया। तो याद रखिए इसी तरह से उज्जैन ये भी मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी वाला शहर। तो ये तीनों याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए आप एकदम अलर्ट रहिए। आगे देखिए दे रहा है कि शहर को, शहर में बताया अभी अभी, शहर में इंदौर, बड़ा पूछ देता बड़ा तो याद रखे अहमदाबाद, ठीक है, और उसी तरह से मध्यम पूछ देता तो उज्जैन हो जाता, ठीक है। आगे देखिए किस भारतीय को रैमन मैक्सेसे दिया गया, तो एनडीटीवी के कार्यकर्ता है याद रखे रवीश कुमार, ठीक है, इनको दिया गया है, ठीक है, पत्रकारिता करते हैं तो इनको दिया गया रैमन मैक्सेसे अवार्ड। रैमन मैक्सेसे अवार्ड याद रखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहां से दिया जाता है, वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। आगे देखिए रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये किसे दिया गया? तो मोदी जी को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है, और 12 अप्रैल 2019 को ये अवार्ड दिया गया था रूस के द्वारा। उसके पहले जायद मेडल दिया गया था दोस्तों यूएई, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड और इनका नाम तो दुनिया में पहले ऐसे नेता के रूप में आ गया जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड मिला। देखिए यूएसए का बड़ा अवार्ड है, फिलिप कोटलर हो गया, मोदी नामिक्स के लिए सियोल शांति पुरस्कार हो गया, चैंपियन ऑफ द अर्थ हो गया, ग्रैंड कॉलर हो गया, फिलिस्तीन का अवार्ड है, अफगानिस्तान का बड़ा अवार्ड, सऊदी अरब का बड़ा अवार्ड, तो ये सब अवार्ड मोदी जी को मिला चुका है, ठीक है, मिल चुका है। आगे देखिए हाल ही में 2019 का भारत रत्न आया, तो 2019 में भारत रत्न के लिए तीन लोगों का नाम चुना गया था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को जो है क्या दिया गया, तीनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो याद रखिए ऐसे तो देखिए एक बार चक्र बता दूं, परम वीर चक्र ये सबसे बड़ा सम्मान होता है सेना में, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, तब अशोक, तब कीर्ति चक्र और लास्ट में शौर्य चक्र। तो ऊपर से थर्ड नंबर का चक्र है वीर चक्र, याद रखिए यह दिया गया अभिनंदन वर्धमान को, ठीक है, अभिनंदन। और अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि अभिनंदन जी जो है MiG-21 का नाम सुना होगा जो इशू हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद इनको भारत लौटने के बाद यह पुरस्कार दिया गया।
इनको एक अवार्ड और भी दिया गया दोस्तों, पुरस्कार है एक और भी, उसका नाम है महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी पुरस्कार। तो याद रखिए ये पुरस्कार भी किसको दिया गया है, महावीर स्वामी अहिंसा पुरस्कार, वो भी जो है अभिनंदन जी को ही दिया गया, विंग कमांडर अभिनंदन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1969 से, जबकि अगर हम फिल्म उसकी आईफा वाली बात करें तो उसकी शुरुआत जो है 2000 से हुई है। यूएई का सर्वोच्च सम्मान आपको बता ही चुका हूं, मोदी जी को मिल चुका है। 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, दोस्तों इथियोपिया देश का नाम सुना होगा, वहां के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, और अभय अहमद अली, ठीक है, अभय अहमद अली, इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मिस यूनिवर्स, यहां पे आपको बड़ा डाउट होता होगा क्योंकि मिस यूनिवर्स में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना वैसे याद करो। देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भारतीय महिला को विदेश में अवार्ड मिला है, जन्म इनका भारत में हुआ था, कर मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया, तो याद रखे प्रिया सेराव, इनका नाम क्या है, प्रिया सेराव इनका नाम है, और ये भारत में पैदा हुई थी इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में वहां पर कौन जो है मिस यूनिवर्स बन रहा है इससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो ऐसे घटनाएं तो बहुत घटती है बट हमें इंपॉर्टेंट देखना होता है ना, तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे जरा मिस वर्ल्ड एशिया, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही भारत है इसलिए आपको याद रखना पड़ता है कि मिस वर्ल्ड एशिया का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये भारतीय महिला है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सुमन राव इनका नाम है, सुमन राव, ठीक है, सुमन राव को मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब दिया गया। इसके अलावा फेमिना मिस इंडिया, हमारे भारत में जो होता है फेमिना मिस इंडिया या बीबी फेमिना मिस इंडिया, उसमें भी किसको चुना गया, सुमन राव को ही चुना गया, राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है, इनको याद रखेगा। अगला है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, अब देखिए यहां पर अलग हो गया, वहां पर था फेमिना मिस इंडिया, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर एक अलग शब्द जुड़ गया ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड इंडिया, तो याद रखेगा ये जो ग्रैंड वाला है ना, ग्रैंड में उत्तर है शिवानी जाधव। अब गलतियां यहीं से होती हैं, लोग पढ़ के गए हैं, अब जिन्होंने ध्यान नहीं दिया ना, जिन्होंने ग्रैंड वर्ड नहीं पढ़ा, फिर जान लो गलती तो होनी है ना। तो ग्रैंड, तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब ग्रैंड से ग्रेट बना लीजिए, ग्रेट कौन थे, तो शिवाजी ग्रेट थे, तो शिवा याद रखना, तो ग्रैंड देखकर हमेशा याद रखना शिवा, ठीक है। और ऐसे पूछता तो सुमन राव, ठीक है, सुमन राव उनको जो है फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब मिला है। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल, इसके पहले हम लोगों ने देखा मिस एशिया, ठीक है, ठीक है, मिस एशिया में जो था वो एशिया वाला था, वहां सुमन राव थी, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा था, यहां पे देखिए मिस वर्ल्ड एशिया, तो यहां पर एशिया है ना, वो एशिया पैसिफिक है और यहां पर एशिया है, तो बहुत अंतर हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो फिर गलतियां हो जाती हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो याद रखें मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब सुमन राव को, इसके अलावा अभी फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब, मिस इंडिया का खिताब, वर्ड नहीं, मिस इंडिया का खिताब, देखिए यहां पर ये भी सुमन राव को, बस ग्रैंड लग जाएगा तो शिवानी जाधव को, ठीक है। और इसके अलावा मिस एशिया पैसिफिक का खिताब, तो याद रखिए चायन हुइसमैन, किसको दिया है, चायन हुइसमैन, पैसिफिक का, पैसिफिक, ठीक है, मिस एशिया पैसिफिक का खिताब किसको मिला है, चायन हुइसमैन, तो यहां पर लिखा है मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल, तो याद रखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना, याद रखेगा जरूरी है। आगे देखिए मिस इंटरनेशनल, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और मिस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाला अवार्ड किसको दिया गया है, तो जब इंटरनेशनल की बात आई तो बोले व्हाट, कितना अवार्ड है सर, व्हाट इंटरनेशनल, व्हाट इंटरनेशनल, व्हाट, तो इंटरनेशनल वाला अवार्ड मिला है व्हाट को, क्या नाम है, सिरे थोर्न लेरम व्हाट, ठीक है, ये देखिए इमेज है, ठीक है, बीच में है, ठीक है, सिरे थोर्न लेरम व्हाट, और इनके बगल में दोस्तों ये फर्स्ट रनअप है, सेकंड रनअप है, इधर सेकंड रनअप, इधर थर्ड रनअप, और इधर फोर्थ रनअप, ठीक है। तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वाले अवार्ड में व्हाट याद रखेगा, ठीक है। आगे जरा मिस अर्थ 2019 का अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिए अर्थ, अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी में पढ़ा होगा आपने क्या, मेंटल, मेंटल वाली परत जानते हैं ना, बताइए, भूक्रस्ट ऊपर वाली परत, ठीक है, क्रस्ट होती है फिर मेंटल होती है, ठीक है, तो मेंटल याद रखेगा, अर्थ वाला लाके कहां जोड़िएगा, मेंटल पर, ठीक है। तो यहां पर आपको याद आ जाएगा परीक्षा में नेल्ली स्पिमेंटल, ये क्या है, मिस अर्थ 2019 का अवार्ड इन्हें मिला है, याद रहेगा ना। देखिए जैसे इंटरनेशनल वाट लगा दिया, यहां पर पिमेंटल लगा दिया, ये अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो परीक्षा में अगर प्रश्न बनता है तो आप घबराएंगे नहीं। मिस यूनिवर्स का खिताब जो किसे दिया गया है, तो इमेज आप देख लीजिए, जो जिन्हें
टुंजू, टुंजी याद रखे, टुंजी, टुंजी को दिया गया है यहां पर, टुंजी वर्ड याद रखिए, ठीक है। जोजी बिनी टुंजू को दिया गया है क्या, मिस यूनिवर्स, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये मिस यूनिवर्स है 2019। और मिस वर्ल्ड की बात करते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस अर्थ, ये तीन अवार्ड बड़े बड़े, और मिस इंटरनेशनल, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, मिस वर्ल्ड कौन है, तो टोनी यंसिक, उनका नाम टुंजी, इनका नाम टोनी, तो कुछ सिमिलर है ना, तो याद रखें मिस वर्ल्ड में टोनी यंसिक है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, मिस वर्ल्ड में टोनी यंसिक है, मिस यूनिवर्स में टुंजी है, टुंजी टुंजी है, मिस अर्थ में मेंटल है, मिस इंटरनेशनल वाट, मिस इंटरनेशनल वाट है, मिस एशिया पैसिफिक, पैसिफिक की बात कर दिया तो मैन है, विश मैन, पैसिफिक प्रशांत महासागर, व्हाट मैन, ठीक है, विश मैन, और मिस ग्रैंड बोल दिया तो क्या हो जाएगा, शिवानी जाधव हो जाएगा, फेमिना मिस इंडिया की बात कर देगा तो हमारे यहाँ जो है सुमन राव हो जाएंगी, और सुमन राव ने इसके अलावा मिस वर्ल्ड एशिया का खिताब भी जीता है, और ऑस्ट्रेलिया में, ये तो भारतीय मूल की इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रिया सेराव, अगर इतना प्रश्न आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट से कभी भी आपका एक क्वेश्चन गलत होने वाला है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने वेटलिफ्टर का ओलंपिक में जीता गया गोल्ड मेडल वापिस ले लिया है, तो यूक्रेन देश से वापिस लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, कह रहा है यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन देश है, यूक्रेन की राजधानी कीव, कौन सी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, तो याद रखिएगा, सब आपको पढ़ाया गया, इसी के नीचे ब्लैक सी है, सी ऑफ सिजाव है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। आगे देखिए, फीफा ने लगातार दूसरी बार किस देश की टीम को टीम ऑफ द ईयर चुना है, टीम ऑफ द ईयर बेस्ट फुटबॉल टीम को दिया चुना जाता है, और बेल्जियम, बेल्जियम याद रखिएगा, इसको बेस्ट फुटबॉल टीम के तौर पर चुना गया, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, ठीक है, याद रखिएगा, सेंटर में ब्रसेल्स है, इधर नीदरलैंड है, इधर जर्मनी है, निजर लग्जमबर्ग है, सबसे अमीर देश, और इधर फ्रांस है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर आप इतना अवार्ड याद रखते हो तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। दोस्तों हमने यही सोचा ना कि करंट में इस तरह के जो टॉपिक होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके सामने लेके आया करूं, कभी इंपॉर्टेंट बुक्स, कभी इंपॉर्टेंट पर्सन, कभी किसी व्यक्ति का निधन हो गया उस तरह के क्वेश्चन, कभी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्विज, कभी अवार्ड वाले, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना, ये चीजें एक बार पढ़ने से याद नहीं पाती, मुझे पता है, और बार बार अगर आपके सामने आएंगे और आप बार बार तो निश्चित रूप से आपको याद हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा, बस एक छोटा सा निवेदन है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बाकी जो भी सब्जेक्टिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनसे जुड़िए, और एक एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए। इधर बीच मेरा फोकस फिजिक्स पर है, फिजिक्स आपका जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा, और जो एनवायरमेंट है, क्योंकि दोनों ही बहुत कम लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरा फोकस बना के चल रहा हूं कि अगले 15 दिन के अंदर दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ा के समाप्त कर दिए जाए। तो जो लोग अभी से पढ़ना चालू कर देंगे वो लोग तो कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो बाद में आपको होगी प्रॉब्लम, फिर आप मत कहिएगा सर हमने कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।